हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। हमारे चैनल पे एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं Redmi Note 13 Pro Plus के बारे में। दोस्तों अभी बहुत ज्यादा लीक्स और रूमर्स आए हैं इस फोन के ऊपर और यहाँ पे काफी ज्यादा अमेजिंग अपडेट देखने को मिल रही है इस Redmi Note 13 Pro Plus के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा कंप्लीट एंड तक देखना ताकि आप लोगों से कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो पाए इस फोन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे Redmi Note 13 प्रो प्लस आपको बहुत ही जल्दी लॉन्च होता हुआ दिख जाएगा इंडिया में, और यही नहीं दोस्तों पूरी रेडमी सीरीज आपको बहुत ही जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च होती हुई दिख जाएगी। इस फोन के अंदर आपको एंड्रॉइड 13 देखने को मिल जाएगा। वहीं परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो MediaTek Dimensity का 7200 अल्ट्रा प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो की काफी अच्छा प्रोसेसर है दोस्तों। इस फोन के अंदर आप बहुत ही ज्यादा हैवी गेमिंग कर सकते हैं। यहाँ पे इस फोन में आपको कोई भी डिले महसूस नहीं होगा, आप जो चाहें वो गेम खेल सकते हैं, और इसमें आपको जो हीट वाली दिक्कत रेडमी की वो भी नहीं देखने को मिलेगी। ये एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर रहने वाला है, 2.8 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड के साथ में आएगा। मिनिमम 12 GB रैम वेरिएंट आपको यहाँ पे इस फोन के अंदर देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें डिस्प्ले के बारे में तो 6.67 इंचेस की OLED डिस्प्ले आएगी, जो की 122x2712 पिक्सल्स के साथ में आएगी। यहाँ पे आपको एक काफी अच्छी ब्राइटनेस देखने को मिलेगी, 120Hz की रिफ्रेश रेट, गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो डिस्प्ले और परफॉर्मेंस के मामले में तो ये फोन बहुत ही ज्यादा अच्छा है दोस्तों। अगर बात करें कैमरा के बारे में तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें प्राइमरी कैमरा 200 मेगापिक्सल का होगा, जो कि एक वाइड एंगल होगा, फॉलोड बाय 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल मैक्रो, ड्यूअल कलर LED फ्लैश भी आपको बैक साइड पे देखने को मिल जाएगा। वहीं फ्रंट कैमरा के बारे में बात करें तो 16 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल लेंस आपको फ्रंट में देखने को मिलेगा। अब दोस्तों सबसे अच्छी चीज इस फोन की रहने वाली है वो है इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग। तो जितने भी मेरे कंटेंट क्रिएटर दोस्त हैं जो कि एक बजट फ्रेंडली फोन ढूंढ रहे हैं जिसका कैमरा काफी ज्यादा अच्छा हो, तो आप डेफिनेटली इस फोन का वेट कर सकते हैं, क्योंकि इस फोन के अंदर आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगी 30 FPS पे रियर कैमरा से। वहीं फ्रंट से आप फुल HD 30 FPS में वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। यही नहीं दोस्तों, इस फोन को लेके और भी बहुत ज्यादा रूमर्स आ रहे हैं कि यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है वो भी यहाँ पे सोनी का यूज किया जाएगा। तो अगर वो कैमरा सोनी का होगा तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इस चीज की कि इसका जो वाइड एंगल लेंस है वो मेरे ब्लॉगर दोस्त जो भी है कंटेंट क्रिएटर है उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। वहीं बैटरी के बारे में बात करें तो 5000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि 120 वॉट फास्ट चार्जर के साथ में आएगी। USB-C टाइप पोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो 120 वॉट का फास्ट चार्जिंग है उससे आपका फोन सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट्स में 0 to 100% तक चार्ज हो जाएगा। अगर बात करें इसकी प्राइस रेंज के बारे में तो ये फोन आपको 20,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा, और बैंक ऑफर्स के साथ आप इस फोन को अंडर 20,000 भी परचेज कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात की ये लॉन्च कब होगा, तो दोस्तों इस फोन की जो लॉन्च डेट बताई जा रही है वो जनवरी में बताई जा रही है। अभी तक डेट्स आउट नहीं हुई है, बट रूमर्स के अकॉर्डिंग ये फोन जनवरी में लॉन्च होता हुआ दिख जाएगा। तो दोस्तों यही सारी बातें थी इस Redmi Note 13 Pro Plus के बारे में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक कर देना, हमारे चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।